महाराष्ट्र का सियासी फाइट और इसके बीच चुनावी माहौल इस समय टाइट हो चुका है। सत्तारूढ़ महायुति एक बार फिर से सिंहासन पाने की जुगत में है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी सत्ता में वापसी के दावे पेश कर रही है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे पेश करने में इस समय लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे पाकर के महाविकास अघाड़ी भी वापसी की उम्मीद इस समय जाहिर कर रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजे कांग्रेस को सता जरूर रही है। इसी बीच बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। पहली लिस्ट में कौन कौन से अहम नाम है ये भी आपको बताते हैं। तो ये 99 प्रत्याशियों के नाम इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले लिस्ट के बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे, चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से, राहुल नार्वेकर कोलाबा से, नितेश राणे कंकावली से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। ये पहली सूची जो बीजेपी की तरफ से पेश की गई है। नितेश राणे का नाम कंकावली से, साथ ही संतोष दानवे भूकरदन से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। श्री जया चौहान भूकर से इन्हें टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। ये पहली सूची है जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कुल 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। देखिए ये तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से हुआ है। बीजेपी की पहली लिस्ट में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का नाम भी है। उन्हें कामठी से मैदान में उतारा गया। क्या कुछ कहना है चंद्रशेखर बावनकुले का आपको सुनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित भाई, हमारे देवेंद्र जी, सबने मिलकर जो एक 99 लोगों का लिस्ट दिया है, ये मेरिट पे दिया है। हमारे वहाँ पर जो सारे कंसेंसस थे, सारे जनता का मत क्या है, कार्यकर्ताओं का मत क्या है, वहाँ पर उम्मीदवार के बारे में जो 5 साल उन्होंने काम किया है, ये सारा कैलकुलेशन करके सीट मिली है। सारे उम्मीदवार अच्छे से जीतेंगे, अच्छे लिस्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें से 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट बीजेपी ने दिया है। लिस्ट में कई नए चेहरे को भी मौका मिला है। इनमें से 11 ऐसे हैं जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी के बीच मुख्य मुकाबला होना है और दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में इस समय जुटी हुई है।